ट्रैफिक नियम तोड़ा तो पड़ेगा आपको बहुत महंगा। दरअसल भारत सरकार साल 2025 तक भारत में सड़क दुर्घटना की संख्या घटाकर आधा करना चाहती है। केंद्रीय परिवहन के मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश के हर इलाके में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए, जिसे लोगों को स्वयं की और दूसरों की सुरक्षा के प्रति जागरूक होना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि कड़े कानून के साथ साथ लोगों को स्वयं की जिम्मेदारियों का एहसास हो, नियमों का अनुशासनात्मक के साथ करें पालन। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर अब अपनी गाड़ी का बीमा कराना आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। बीमा नियामक IRDAI की एक वर्किंग ग्रुप ने सुझाव दिया है कि मोटर इंश्योरेंस के लिए एक ट्रैफिक वायलेशन प्रीमियम जोड़ा जाए। इसके तहत जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे उन्हें अपने वाहन इंश्योरेंस के लिए अधिक प्रीमियम चुकाना पड़ सकता है। तो आप जब भी वाहन चलाएं नियमों का पालन करना ना भूलें, जागरूकता फैलाएं, सड़क सुरक्षा बढ़ाएं। नितिन गडकरी ने देश में सड़क दुर्घटना कम करने के लिए स्वीडन जैसे देश का उदाहरण दिया, जहां सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा संबंधी उपाय के संबंध में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को शिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए। पश्चिमी देशों से सड़क सुरक्षा का आइडिया लेने की मांग। अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई यूरोपीय देशों में वाहन चलाने का रिकॉर्ड रखा जाता है और उसके आधार पर ही उन्हें वाहन बीमे की किश्त तय होती है। बीमा नियामक के वर्किंग ग्रुप ने मोटर इंश्योरेंस के 5वें सेक्शन को बदलकर ट्रैफिक वायलेशन प्रीमियम तय करने का सुझाव दिया है, जिसके तहत जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे उन्हें अपने वाहन इंश्योरेंस के लिए अधिक प्रीमियम चुकाना पड़ सकता है। जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है सड़क सुरक्षा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भारत में कोरोना संकट के इस दौर में भी रोजाना 30 किलोमीटर सड़क बनाई जा रही है, ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वो लोगों को सड़क पर सुरक्षित तौर पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें और इसके लिए स्वयंसेवी संगठनों को अपने साथ जोड़ें। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।